ये रहा और एक नया 2.1 चैनल स्पीकर सिस्टम पैनासोनिक की तरफ से। ये जो 2.1 स्पीकर सिस्टम है इसका मॉडल है ST19GWK फ्रॉम पैनासोनिक। वीडियो में मैं इस 2.1 स्पीकर सिस्टम का अनबॉक्सिंग करूंगा, इसका अनबायस रिव्यू दूंगा और इसका साउंड टेस्ट भी करने वाला हूं। अगर आप कोई अच्छा 2.1 स्पीकर सिस्टम लेना चाहते हो, आपको एक क्लियर आइडिया आ जाए। ये जो 2.1 चैनल स्पीकर सिस्टम आता है इसका प्राइस 3000 के अंदर ही आपको मिल जाएगा। देखिए ये है पैनासोनिक 2.1 चैनल स्पीकर सिस्टम का बॉक्स, जहां पे जो मॉडल आपको देखने को मिलेगा वो है ST19GWK। आपको 45 वॉट RMS का आउटपुट मिलेगा और FM मिलेगा, ब्लूटूथ मिलेगा, USB मिलेगा, ऑक्स मिलेगा, साथ में रिमोट कंट्रोल मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको 4.3 किलोग्राम्स का वेट मिल जाएगा, एक सबवूफर मिलता है, दो सैटेलाइट्स मिलता है और जो MRP आपको बॉक्स के ऊपर मिलेगा वो 4290 रुपीस का, पर ये आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा 3000 के अंदर। ये देखिए बॉक्स को खोलने के बाद आपको ये तीन यूनिट मिलता है। ये जो मेन यूनिट है ये है सबवूफर और ये टू सैटेलाइट्स चैनल स्पीकर। अब इसके अंदर आपको एक रिमोट मिलता है, जरा देखिए इसको। ये देखिए ये रिमोट प्लास्टिक का है और आपको इस रिमोट में काफ़ी कीज मिलता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये पे आपको पावर ऑन एंड ऑफ का की मिलेगा, दाहिने साइड में आपको एक म्यूट बटन मिलेगा, ऑक्स का बटन मिलेगा, FM का बटन मिलेगा, पल का बटन मिलेगा, पॉप का बटन मिलेगा, USB, ब्लूटूथ, जाज, रॉक इस तरह का बटन मिलेगा। और ये जो नॉर्मल पॉप चार्ज रॉक हैं ये इक्वलाइजर बटन है, ये USB पे काम करता है, यानी अगर आप पेन ड्राइव को यूज़ करते हो तो ये काम करता है। अब ये देखिए यहाँ पे आपको चारों बटन्स मिलेगा और ये जो नेक्स्ट प्रीवियस वॉल को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। यहाँ पे प्ले और पॉज का बटन मिलता है, पैनासोनिक का लोगो, और इसमें एक बैटरी भी आपको मिलेगा और ये इन बिल्ट आपको देखने को मिलता है इस रिमोट में, देखिए कुछ इस तरह का। ये देखिए इस बॉक्स के साथ आपको एक वारंटी कार्ड मिलेगा और एक साल का वारंटी आपको मिलेगा और बॉक्स के पीछे में आपको टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। और ये देखिए ये टोल फ्री नंबर है, इस पर अगर आप कॉल करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे आपको पैनासोनिक का यूज़र मैनुअल मिलेगा, अगर कोई दिक्कत होता है तो ज़रा इसको स्टडी कर लीजिएगा। देखिए आपको एक RCA केबल मिलता है, यानी जो 3.5 mm जैक, और ये दो जैक मिलता है, देखिए कुछ इस तरह का है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। बॉक्स के साथ आपको दो स्क्रू भी मिलेगा, यानी आप ये जो टू चैनल स्पीकर्स हैं इसको आप वॉल में माउंट भी कर सकते हो, और माउंट के लिए ये देखिए स्क्रू आपको पहले से ही मिलता है बॉक्स के अंदर। ये देखिए ये है लेफ्ट चैनल स्पीकर और ये AVS प्लास्टिक से बनाया गया है, काफ़ी अच्छा है इसका क्वालिटी, और आपको सामने में मेटल ग्रिल देखने को मिल जाएगा, यानी मेटल का उपयोग किया गया है। ये देखिए नीचे में आपको दो रबर स्टैंड मिलेगा ताकि ये पिछलन ना हो, यानी ये स्लिप ना करे। और ये जो टू चैनल्स आपको देखने को मिलेगा ये 12.5 वाट का, वो भी 12.5 वाट का। ये स्पीकर के साथ कुछ आपको इस तरह का जैक मिलता है, ये आपको पीछे में डालना होगा, और रेड एंड वाइट कलर का लेफ्ट एंड राइट, इससे साउंड इससे आएगा। वॉल माउंटिंग के लिए पीछे आपको एक होल देखने को मिलेगा, इससे आपको वॉल में माउंट करना होगा, और क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये मेन यूनिट है इसका, यानी सबवूफर है इसमें, और यहाँ पे आपको ग्रिल देखने को मिलता है मेटल का, और ये वुड का बनाया गया है, काफ़ी अच्छा इसका वेट भी है, काफ़ी हेवी भी है, यानी आपको जो बेस पंच वो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। और ये जो सबवूफर का वाट है वो 20 वाट का मिलाकर आपको यहाँ पर 20 वाट का सबवूफर आउटपुट मिलता है, और ये दो चैनल 12.5 वाट का, यानी 45 वाट का आपको टोटल RMS
आउटपुट मिलता है, यानी इसका आउटपुट पावर है वाट है। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारा बटन्स देखने को मिलता है। साइड में आपको पहले मिलता है वो सोर्स का बटन, ये पे आपको स्कैन, प्ले, पॉज का बटन, नेक्स्ट, प्रीवियस का बटन, वॉल्यूम प्लस एंड माइनस का बटन। ये देखिए यहाँ पे आपको एक होल दिया गया है, इसमें आपको यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आप पेन ड्राइव को यूज़ कर पाओगे। और हाँ, इसमें जो पोर्ट दिया गया है वो कवर है एक रबर के साथ, तो काफ़ी अच्छा लगा इसका क्वालिटी, ये देखिए काफ़ी अच्छा है। देखिए आपको सबवूफर के डायनासाइट पे आपको एक आउट वेंट देखने को मिलेगा जहाँ पे जो एयर है वो पास करेगा और आपको काफ़ी अच्छा क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा और जो बेस है वो काफ़ी अच्छा देगा। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो चारों स्टैंड आपको नीचे में देखने को मिलेगा और ये काफ़ी अच्छे से ग्रिप करता है इस सबवूफर को। ये देखिए यहाँ पे आपको एक एंटेना मिलता है, ये देखिए कुछ इस तरह का, और क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका जो बिल्ड क्वालिटी है। ये देखिए आपको यहाँ पे जो एंटेना मिलता है इसके मदद से आप जो FM उसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए यहाँ पे राइट चैनल, लेफ्ट चैनल, आउटपुट, आउटपुट ये दिया गया है, आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पे पावर ऑन एंड ऑफ का बटन दिया गया है, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। और ये जो सबवूफर है इसमें 5 इंच का वूफर आपको देखने को मिलेगा और ये जो 2 सैटेलाइट स्पीकर हैं इसमें आपको 3 इंच का स्पीकर मिलेगा। और एक बात कह दें, यहाँ पे आपको अलग से बेस और ट्रेबल का कोई भी कंट्रोल नहीं मिलता है पीछे में और रिमोट में। यहाँ पे आपको FM मिलेगा, USB मिलेगा, ब्लूटूथ मिलेगा और यहाँ पे आपको ऑक्स का फंक्शन भी मिलेगा। तो बेस एंड ट्रेबल मिसिंग है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा जब भी आप कोई भी म्यूजिक प्ले करते हो। यहाँ पे आपको कोई डिस्प्ले नहीं मिलता है, पर ये देखिए यहाँ पे आपको एक LED इंडिकेटर मिलेगा। आप जब भी कोई भी कनेक्शन पे आते हो यानी ब्लूटूथ या USB या ऑक्स, तब इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये मैंने जो ये स्पीकर है इसको कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे आपको ब्लू लाइट आपको देखने को मिलेगा, ब्लू कलर का इंडिकेटर, यानी अभी भी ये कनेक्ट नहीं हुआ है। चलिए ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं। देखिए ये अब ब्लू से रेड कलर हो गया है। मैंने सोर्स बटन को और एक बार प्रेस किया, ये ऑक्स मोड पे है। चलिए और एक बार प्रेस करते हैं, ये देखिए अब इसमें आपको पिंक कलर का देखने को मिलेगा, यानी ये अभी FM में था। अब ये देखिए ब्लू कलर में ब्लिंक हो रहा है, यानी अब मेरे डिवाइस के साथ ये कनेक्ट हो रहा है, तो ये ब्लूटूथ मोड है। ये देखिए यहाँ पे आपको मॉडल शो कर रहा है SC-HT19, यानी ये कनेक्टेड हो गया है। चलिए कुछ म्यूजिक को प्लेबैक करते हैं। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping to a life. Life is happy but it's so. ये देखिए मैंने ये फुल वॉल्यूम पे दे दिया है और मैं एक बात कहूं अनबस ओके भाई, इसमें जो आपको जो साउंड मिलता है वो काफी लाउड है। अगर आपका रूम लार्ज है, बड़ा है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसका जो क्लैरिटी है वो मुझे काफी पसंद आया है। चलिए अब थोड़ा सा बेस को टेस्ट करते हैं। जो मेरा टेबल है वो काफी सेक कर रहा है और मैं यही कहना चाहता हूं इसका जो लाउडनेस है वो काफी अच्छा है। बेस, आपको बेस का कोई भी नॉब नहीं मिलता है, पर मैं यही कहता हूं बेस का नॉब तो नहीं है पर बेस काफी बढ़िया है। ओ, 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 ओ,
मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, इसका साउंड क्वालिटी हो या क्लैरिटी, इसका बेस काफी इंप्रेस किया मुझे। सही में 45 वाट का एक मॉन्स्टर है ये। आप मेरी राय सुनो तो मैं आपको यही कहूंगा, खरीद लो अगर आपका पॉकेट परमिट करता है तो। अब मैंने मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, आप अगर इच्छुक हो तो लिंक पे जाके खरीद सकते हो। आज के लिए इतना ही, और बहुत जल्द आपके सामने और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ आ जाऊंगा। धन्यवाद।